अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रशदाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है वो मैं, आप और हर शख्स जानते हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशत गर्द खुद आवाम को दहशत गर्द करार देकर उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। उनके ऊपर FIR हो रही है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आवाम के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, आवाम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस संडे को जैसा कि आप जानते हैं कि PTI ने पूरे पाकिस्तान में रैलियों की कॉल दी हुई थी। मेरा दोस्त है, वो वापस आ रहा था, रास्ते में PTI की रैली थी, तो वहाँ पे वो गुजर नहीं सकते थे। वो जाहिर है जब रोड ब्लॉक होगा तो वो रैली के पीछे चलेंगे, ऊपर से पुलिस का छापा पड़ता है और वो कहते हैं, वो जनाब उनको भी पकड़ते हैं, चलो जी जेल चलो आप जेल। वो कहते हैं जी हम तो वापस से मेले से वापस आ रहे हैं, आप हमें क्यों कहते हैं। फिर आप जनाब नवाज शरीफ का नारा लगाओ। यार आप ये कैसी ये दहशत गर्दी है, आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले के ये आप नारा लगाओ। जनाब आवाम, आप मुझे पता है, मुझे पता है कि आप आवाम को खातर खा नहीं लाते, आपको आवाम की परवाह नहीं है। अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या जान रही है, आपने निज़ाम तबाह किया हुआ है, पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, सब लोग अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं, अवाम का जो वोट डालने का हक है उस पर डाका डालने तुले हुए हैं। 70 साल से निज़ाम ये पाकिस्तान में ये नहीं चला, जो अब ये जिस तरह शरेआम ये गुंडागर्दी और दहशत गर्दी हो रही है, ये खुद दहशत गर्दी करते हैं और फिर अवाम को कहते हैं कि जनाब इसको डालो, इनके ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा काटो और इनको जेल में भेजो। यार कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ तो अवाम का ये जमहूरियत का थोड़ी सी तो जमहूरियत को बाहर रहने दो। ये कौन सी जमहूरियत है, इस तरह आप क्या समझते हैं? यार आपका इमेज किस हद तक खराब हो गया है, आप अपने इमेज को ठीक करो। 70 साल से आवाम आपसे मोहब्बत कर रही है, आपके साथ प्यार कर रही है, लेकिन आप ये मोहब्बत प्यार की ये सिला दे रहे हैं आवाम को कि वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चूज नहीं कर सकते, अपने पसंदीदा नुमाइंदे को वोट नहीं दे सकते, अपने पसंदीदा नुमाइंदे के लिए आवाज नहीं उठा सकते। यार आप कौन से, वो जनाब वो हमारे जनरल साहब से जो पूछा गया सवाल पूछा गया कि आप किसी भी मुल्क के नुमाइंदे को जो 5 साल हुकूमत पूरी क्यों नहीं करने देते, तो उन्होंने जवाब दिया जी जो मुल्क को तोड़ना चाहे उनको क्या करना चाहिए, उसको क्या उतार नहीं देना चाहिए। अब भाई मुल्क तो आप तोड़ रहे हैं, आपने कब मुल्क को बचाया? अगर ये सियासतदान मुल्क को करे तो आप इसके खिलाफ करें। ये इस तरह आप अवाम कितने, आप यार कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को तशद्दद करके उनके जहनों को तब्दील करोगे, कितने लोगों पर तशद्दद कर 25 करोड़ आवाम को आप कर सकते हो, उनके जहन को जहनों को तब्दील कर सकते हो। 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते, कर लेंगे आप जनाब, कर लेंगे, आपके पास ताकत है, आप फिरौन बन रहे कोई मसला नहीं, फिरौन के पास भी ताकत था, वो कहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप कर लें, आपके पास अभी ताकत है। इब्ने ज़ियाद ने भी एक दिन ऐसे किया था, इब्ने ज़ियाद ने जनाब यह इसी ताकत के बलबूते पे तमाम लोगों को, तमाम कूफियों को ये यजीद के जो लश्कर में शामिल किया था। यजीदी टोला कैसे बना था, ये इब्ने ज़ियाद की जनाब, इब्ने ज़ियाद ने ऐसे चुप करवाया था। आज आप भी वो सेम किरदार, इब्ने ज़ियाद वाला किरदार अदा कर रहे हैं, अवाम को डंडे की जोर पे आप यजीदी लश्कर के साथ शामिल होने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी आपके पास ताकत है, अवाम आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती जनाब, ये लोग आपके सामने खड़े नहीं हो सकते जनाब, कोई सियासतदान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, पाकिस्तान की कोई अदालत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब अल्लाह की लाठी तुम्हारे सर पे आएगी तब तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो कुछ कुछ ख्याल करो, थोड़ी सी अवाम की लाज रखो, उनकी पसंदीदा की पसंद की लाज रखो, उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करने दो। अगर फांसी लगाना है, अगर सजा देनी है, तो जो 70 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं उनको सजा दे। अवाम के लीडर को आप यूं ये सजाएं देकर, ये अदालत ने सजा दी। अभी अभी मैंने इंटरव्यू किया अवाम का,
वो कह रहे हैं जी, ये इमरान खान को जो सजा हुई है 10 साल की कैद ब मुशक्कत दी है, ये किसी अदालत ने नहीं दी, ये बूटों वालों ने दिए। अवाम ने सर आम आपके उस जानती है, अवाम जानती है। तो कुछ अपना भरम रखें, अवाम अगर आपके खिलाफ 1 साल की से आपके खिलाफ है तो 70 साल आपसे उसने प्यार भी किया है, उस प्यार को यार कुछ प्यार का ख्याल रखो, अवाम के साथ ये जुल्म ना करो। जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, आपका भी जुल्म मिट के रहेगा। ये अवाम उनके मुंतखब नुमाइंदे, ये अवाम के लीडर वही जीतेंगे। फिरौन भी हारा था, यजीद भी हारा था, आप भी हारोगे। वस्सलाम।